हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल का व्लॉग पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मैं कोटा से आई थी, उसके बाद में मैं खाना वाना बनाने में लग गई थी, तो फिर मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि व्लॉग कंटिन्यू कर लूं। तो मैंने सोचा कि सुबह कर लेंगे। और आज है 15 जनवरी, और जैसे कि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति आज ही के दिन में जो हम दान पुण्य करते हैं, तो आज ही वो दान पुण्य करना है। तो इस बार मैं जो दे रही हूँ ना, वो कंबल दे रही हूँ। पिछली बार कुछ वो प्लास्टिक वाले आइटम मैंने दिए थे, 14 देने पड़ते हैं वो, तो मैंने हर बार अलग अलग चीजें दी है। तो इस बार मैंने सोचा था कि कंबल देना चाहिए, तो कंबल लेकर के आ गई हूँ। और कंबल के साथ ही मैं एक चूड़ा भी देती हूँ, साथ में उसमें सिंदूर बिंदी वगैरह ऐसा जो भी सुहाग का सामान होता है वो सारा भी मैं ऐड कर लेती हूँ उसमें। तो ये जो मेरे हाउस हेल्पर आती है ना, तो मैं उसको ही दूंगी। तो पहले भी मैंने उसी को ही दिया था। ये बिंदी है, ये है चूड़ा, ये चूड़ा है तो, और ये उसके लिए मैंने एक जैकेट है ये, और ये साथ ही में सिंदूर है, मेहंदी भी है इसमें, मेहंदी भी है, मेहंदी का कौन है ये, और ये पूरा हुडी टाइप का है, तो ये दिया है एक तो मैंने। और ये 14 कंबल है, इनको आज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना है, तो मैं देखूंगी जिनको भी नीड होगी ना इनकी ज्यादा, तो मैं उसको दूंगी। हाँ, तो ये सारी चीजें मैं अभी आज देके आऊंगी। और पता नहीं, धूप तो इतनी अच्छी कड़क निकल जाती है, बट इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज तो फेस पर अच्छा सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा ली है मैंने पहले से, और कुछ भी नहीं लगाया, लिप बाम लगाया है। और आज बालों को भी अच्छे से मैंने बांध लिया है, क्योंकि क्या होता है ना, ऊनी कपड़ों में बाल इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो इनको मैं मैनेजेबल रखने के लिए फिर मैंने बांध लिया। अभी देखूंगी, बाहर जाऊंगी तो खोल लूंगी, देख लूंगी अभी मैं। और फिर अभी जाएंगे, अभी तो पूरा घर का काम पड़ा है, सारा झाड़ू पोछा वगैरह हो रहा है, अभी कर रही है मेरी हाउस हेल्पर। तो अभी जस्ट 10 बज गए हैं, तो अभी मैं इनको जो कलपना बोलते हैं ना, तो वो कलप देती हूँ कि मुझे ये सामान देना है, तो मैं उसको अच्छे से कलप देती हूँ। भगवान की पूजा ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं नहा करके, और दक्ष गया है पतंग उड़ाने के लिए, उसको तो इतना ज़्यादा वापरे क्रेज़ है, इस साल से उसको ज़्यादा हुआ है क्रेज़ पतंग उड़ाने का। तो अभी वो गया है, तो अभी आएगा उसको, और खाने में भी मैंने खाना भी बना लिया है, बस अभी चपाती सेकना बाकी है, मेरी बाजरे की रोटी बाकी है, तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया। छोले की सब्जी, राजमा छोला, मिक्स की मिर्ची। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ ये जो मैंने कंबल मंगवाए थे, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रही हूँ अभी। हाँ बेटा बोलो। अभी ले लूँगी इसको, मैं ले लूँगी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, ढूंढते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको देंगे ये वाले जो कंबल हैं। मंदिर और काफी ऊंचाई पर है, अभी आपको पूरा दिखाऊंगी मैं अंदर, अभी आरती चल रही है। आ जाइए आप भी।
वहाँ पर सीढ़ियों वाला रास्ता भी, अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़ कर के आना है तो सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ सकता है, लेकिन हम गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी का भी ऑप्शन है यहाँ पर, अभी भी रिसेंटली बनाया है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आकर के लगा है मुझे, बहुत सुकून मिल रहा है। ज़्यादा हवा चल रही है, बट आप मुझे बताइए सूट है ये आपको कैसा लग रहा है, डिटेल में वीडियो अलग से दिखा दूंगी, बट अभी कमेंट में बता देना आपकी कैसा लग रहा है। Hey guys, good evening। और दिन में आकर के मैं ऐसा मस्त सोई हूँ 2 घंटा, इतनी जबरदस्त वाली नींद मुझे आई है, वैसे आती नहीं है बट आज तो आ ही गई। और अभी हो रहा है शाम का समय, तो मैंने सोचा कि मुझे पता चला है किसी से कि यहाँ पर पास में एक कोई अच्छा सा ढाबा है जहाँ पर चूल्हे की रोटी मिलती है और मस्त देसी खाना मिलता है, तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी भी है, संडे भी है, फिर कल से दक्ष के स्कूल खुल जाएंगे, वही रूटीन में ना आना है, इस वजह से आज दक्ष को अच्छा सा एंजॉय करवा के लाती हूँ और चूल्हे की मस्त गर्मा गर्म इस ठंड में रोटी का आनंद लेंगे अब हम। तो अभी मैं वहां पर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, वहां जाऊंगी फिर वहां से आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। और सैलेड के साथ में जो मिर्च का अचार है ना, वो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो मैं इनसे बोल रही हूँ आपके पास ज़्यादा हो तो थोड़ा पैक करा के लेके जाऊँगी एक्स्ट्रा। कंप्लीट हो गया है और खाना सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा यम्मी खाना था, खाने में वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी सब्जियों की और इतना टेस्टी खाना मैं आपको बता नहीं सकती। आप यहाँ खाना खाने आएंगे तभी आपको पता चलेगा यहाँ का टेस्ट, और सारी चीज़ें इंक्लूड है इस खाने में, पापड़ है, सलाद है, सब कुछ, और लास्ट में तो मैं शौक ही रह गई कि गुड़ भी है यहाँ, आप देख सकते हो, तो वैसे मिलता ही नहीं मेरे देखने के लिए, जब घर पे अपन खाते हैं लेकिन ऐसे ढाबों पे तो मुझे लगता नहीं है। गुड़ देखा, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़ है और अभी खाऊंगी इसको, आप भी यहाँ पर डेफिनेटली आ सकते हैं एक बार खाना खाने के लिए। उसके बाद में ये रात में दक्ष के लिए मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी, पेस्ट्री खा रहा है वो, और ये है तिल के लड्डू। हेलो दक्ष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कल के व्लॉग को मैं एंड करना भूल गई थी तो इस वजह से आज की इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चेतनाज लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है चेतनाज लाइफस्टाइल ऑफिशियल, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।